नमस्कार, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम स्ट्रेस पर चर्चा करेंगे। जब आप अपनी शक्ति से बड़ी किसी चुनौती का सामना करते हैं तो आप स्ट्रेस से भर जाते हैं। जैसे ही आप स्ट्रेस से भरते हैं तो आपको जो पहले सिखाई गई बातें हैं वो आपके याद में आने लगती हैं। आपको सिखाया जाता है कि स्ट्रेस तो बहुत बुरा है, स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, स्ट्रेस तो बहुत नेगेटिव होता है, स्ट्रेस से अलग हो जाना चाहिए, आपको रिलैक्स हो जाना चाहिए। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो लड़ाई दोहरी हो जाती है। पहले आप मुश्किल के सामने लड़ रहे थे, लेकिन अब जैसे ही स्ट्रेस आया, मुश्किल से पार पाने के लिए स्ट्रेस आया, तो अपने स्ट्रेस के खिलाफ भी लड़ना शुरू कर दिया, तो अब लड़ाई दोहरी हो जाती है, एक मुश्किल के खिलाफ और दूसरी स्ट्रेस के खिलाफ। जैसे ही आप स्ट्रेस से लड़ना शुरू करते हैं तो आपकी कुछ शक्ति स्ट्रेस के खिलाफ लग जाती है, कुछ समस्या के खिलाफ लगी हुई थी, तो स्ट्रेस के खिलाफ जो शक्ति लगती है उससे समस्या के खिलाफ लगने वाली शक्ति में कमी आ जाती है और आप अधिक कमजोर होने लगते हो। जैसे आप समस्या के सामने और अधिक कमजोर हुए, आप में और अधिक स्ट्रेस भर गया। जैसे और अधिक स्ट्रेस भरा तो आपने और बड़ी लड़ाई शुरू कर दी। तो इस तरह से धीरे धीरे आप स्ट्रेस से भरते चले जाते हैं, समस्या के सामने कमजोर होते जाते हैं और आपकी ताकत स्ट्रेस के लड़ने के लिए दूसरे मोर्चे पर लग जाती है। आपने दोहरी लड़ाई शुरू कर दी। ये एक विश्व सर्कल के रूप में आगे बढ़ता रहता है। इस विश्व सर्कल को कहीं रोका जाना है। यहां एक समझ लेने जैसी बात भी है। आपको हमेशा से सिखाया गया है, साइकोलॉजिकल लोगों ने हमेशा आपको सिखाया है कि स्ट्रेस नेगेटिव होता है, परंतु स्ट्रेस हमेशा गलत नहीं होता। यह समस्या से लड़ने के लिए आपके ऑर्गेनिज्म की तैयारी है। आपके भीतर एक ताकत है, एक शक्ति है। आपके सामने एक समस्या है, उस समस्या से चुनौती मिली है, तो आपका ऑर्गेनिज्म, आपका अस्तित्व उस समस्या से लड़ाई में उतरना चाहता है। तो समस्त ऑर्गेनिज्म ने इकट्ठा होकर अपनी पूरी ऊर्जा को फ्रंट पर भेजने का निर्णय लिया, और फ्रंट पर भेजी जाने वाली यही ऊर्जा स्ट्रेस है जो आपके भीतर है लेकिन जो बाहर आना चाहती है। तो स्ट्रेस के बारे में आपको जान लेना बहुत मुनासिब रहेगा कि स्ट्रेस क्या होता है। इसलिए आपको जानना चाहिए कि स्ट्रेस हमेशा गलत नहीं होता, हमेशा नेगेटिव नहीं होता। ये तो आपका पोटेंशियल है, जो आपके भीतर ताकत भरी थी, जो आपकी कैपेबिलिटीज थी, जो आपकी संभावनाएं थी, वो अपने मैक्सिमम रूप में आपके साथ बाहर आना चाहती हैं ताकि आप समस्या से जूझ सको। और आपने इसको शुद्ध रूप से बाहर लाने की अपेक्षा आपने इसको दबाना शुरू कर दिया। जैसे ही दबाना शुरू किया तो आपकी जो भी अवेलेबल शक्ति थी वो दो हिस्सों में बट गई, एक समस्या के खिलाफ और एक स्ट्रेस के खिलाफ। इस तरह से आपने एक गलत विधि को अपनाकर न सिर्फ स्ट्रेस को बढ़ाया बल्कि अपनी ताकत को कम भी कर लिया, और इस प्रकार आप समस्या से लड़ने के लिए असक्षम हो गए, आप अक्षम हो गए। यही जानना मुनासिब है कि स्ट्रेस आपकी बायोलॉजी ने पैदा किया। आपके भीतर ऐसा मैकेनिज्म है जहां आपके सामने समस्याएं आती हैं, आपका शरीर ऐसे ही हार्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देता है, और आपका शरीर अपने आप को बचाने के लिए या स्थिति से भाग जाने के लिए या अन्य कोई दूसरा उपाय ढूंढने के लिए आपकी शक्ति को इकट्ठा कर देता है। जब वो शक्ति बाहर आना चाहती है तो आपके शरीर में तनाव पैदा होता है, यही तनाव स्ट्रेस है। और इस स्ट्रेस के खिलाफ जब आप एक गलत लड़ाई शुरू कर देते हैं तो आपकी समस्या घटने के बजाय बढ़ना शुरू हो जाती है। जो समस्या के खिलाफ होनी चाहिए थी वो लड़ाई अब स्ट्रेस के खिलाफ हो जाती है। स्ट्रेस पैदा आपकी कैपेबिलिटी से हुआ और लड़ भी आप ही रहे हैं उसके खिलाफ, उसको दबाने के लिए, तो इस प्रकार से लड़ाई के दोनों सिरों पर आप हो जाते हैं। वार करने वाले भी आप हो गए, वार को बचाने वाले भी आप हो गए। इससे समस्या अधिक भीषण हो जाती। तो जब भी स्ट्रेस आपके ऊपर उतरे आप उससे लड़ो नहीं, उसे समझो, उसे गहराई से समझो कि बाहर क्या चीज है जो आना चाह रही है, जो आप में से ध्यान में उतर सकते हैं, जिन्हें ध्यान करने का अनुभव है उन्हें ध्यान करना चाहिए, और स्ट्रेस के ऊपर कि किस बिंदु पर स्ट्रेस बाहर आना चाहता है उसके ऊपर धारणा करनी चाहिए।
कुछ ऐसे साधक भी होंगे जो ध्यान में नहीं जा सकते हैं, तो उन्हें दूसरी तकनीकें अपनानी चाहिए। 10 लंबी लंबी सांसें ले लेनी चाहिए, पेट भरकर पानी पी लेना चाहिए और कुछ सेकंड के लिए किसी मधुर गीत को याद करना चाहिए। इससे स्ट्रेस को एक थोड़ा सा स्पेस मिल सकेगा। ये स्पेस जरूरी है क्योंकि आपके भीतर इतनी प्रोसेसेस चल रही हैं, इतनी प्रक्रियाएं चल रही हैं कि जो स्ट्रेस हुआ है, आपके भीतर जो स्ट्रेस आया है, आप उस स्ट्रेस को शुद्ध रूप में बाहर नहीं आने देना चाहते। आप उसे अपनी साइकोलॉजिकल टीचिंग्स के द्वारा रोकना चाहते हैं, उसे अपने पूर्वाग्रहों के द्वारा रोकना चाहते हैं या अन्य किन्हीं कारणों से रोकना चाहते हैं, जो आपको सिखाया गया है उन सब चीजों को मिलाकर आप उसे रोकना चाहते हैं, तो स्ट्रेस को प्रकट होने का अवसर नहीं मिल रहा। तो आपने स्ट्रेस के विरुद्ध जो एक पोज अख्तियार कर लिया है उसमें थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए ताकि जो स्ट्रेस है आपके ऊपर बिल्कुल शुद्ध रूप में उतर सके। क्योंकि स्ट्रेस अगर शुद्ध रूप में नहीं उतर पाया, स्ट्रेस अगर पूरा नहीं उतर पाया, तो आपके ऊपर रिलैक्सेशन भी नहीं आ पाएगा। स्ट्रेस और रिलैक्सेशन एक ही ऊर्जा के दो छोर हैं। एक छोर स्ट्रेस कहलाता है जहां ऊर्जा उबाल खाना चाहती है, दूसरा छोर रिलैक्सेशन कहलाता है जहां ऊर्जा शांत रहना चाहती है। तो रिलैक्सेशन और स्ट्रेस एक ही अस्तित्व की दो शक्ति हैं। अगर आप स्ट्रेस को नहीं सह सकोगे तो रिलैक्सेशन भी आपको प्राप्त नहीं होगा। स्ट्रेस आपके रिलैक्सेशन की आवश्यक शर्त है। दिस इज एन एसेंशियल एंड नेसेसरी कंडीशन टू अटेन अ रिलैक्सेशन। स्ट्रेस को झेल पाओगे तो ही रिलैक्सेशन की राह खुलेगी। तो जब भी स्ट्रेस आए उसे देखो, उसे खुद पर उतरने दो। वह आपका सहायक है, वह आपको रिलैक्सेशन की शांति उपलब्ध कराएगा। सो ट्राई दिस टू। व्हेन देयर इज ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन, डोंट बिकम अफ्रेड ऑफ इट, गो इनटू इट, यूज इट टू फाइट विद द प्रॉब्लम एंड स्टैंड विक्टोरियस। आज यहीं तक। Goodbye.